नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। और आज कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी हस्ती से जिनका आप नाम सुनेंगे तो चेहरा आपका खिल उठेगा। और वो चर्चा भी हमारे साथ एक ऐसी हस्ती की करेंगे जो हास्य ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, 18 सितंबर द वन एंड ओनली काका हाथरसी की जन्म तिथि भी है और पुण्यतिथि भी है। काका हाथरसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके सन इन लॉ, उनके जवाई साहब और स्वयं हास्य की दुनिया के एक बड़े हस्ताक्षर अशोक चक्रधर जी। नायक, नायक, स्वागत है आपका अशोक जी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। बात काका हाथरसी साहब की कहां से शुरू करें ये समझ पाना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा तो बचपन उनका नाम सुनते थे और हंसी आने लगती थी। आपके अनुभव उनके साथ कैसे रहे, शादी ब्याह कैसे हुआ उनकी बिटिया से, आपका पहली मुलाकात कैसे हुई, इतनी सारी बातें छोटे से कार्यक्रम में समेटनी है सर। जी, मैंने उनके प्रथम दर्शन शायद सन 1961 या 62 में किए थे। मैं 10-11 साल का था और मुझे उन्होंने देखा और उनके मन में ये भाव जगा कि इतना सच लड़का और बहन को गोदी में लिए हुए है, तो मेरे मन का जो दायित्व बोध था उसने प्रभावित किया। फिर वो चले गए, गाल पे हाथ फिरा गए, घर गए, हमारे ही घर गए। और जब मैं अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा तो अचानक बोले, जाते तो मैं मिल चुका हूँ यानी इससे तो मैं मिल चुका हूँ। और ऐसा लोकोत्तर व्यक्तित्व के जो देखे सो देखता रह जाए, कोई बात थी उनके अंदर। तो ये उनसे मेरा प्रथम दर्शन था। और सन 64 के बाद जब मेरे पिता भी हाथरस आ गए तो फिर उनके यहाँ आना जाना होने लगा। मैं भी कविताएं लिखता था और मैंने एक कविता उनको सुनाई थी और उस कविता का प्रारंभ कुछ इस तरह से था, छिपकर पाप करते हो सोच लो दीवारों के भी आंख होती हैं। क्या बात। उस मुहावरे को बदलने वाला जो भाव था वो उन्हें अच्छा लगा और तब से मेरे और उनके बीच में एक रचनात्मक प्रेम का संबंध बन गया। फिर काल क्रम में हम चले आए दिल्ली और एक अंतराल रहा जिसमें कि भेंट नहीं हुई, भेंट हुई तो उनकी सुकन्या से हुई। क्या बात है, ये सब बातें हम सुनेंगे आपसे, कैसे परिचय आगे बढ़ा सब जानेंगे आपसे। बने रहिए अशोक चक्रधर साहब आप हमारे साथ। और दोस्तों, आपको बताऊंगा आज कि कैसे काका हाथरसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते थे मौजूद और उनके सामने से निकल जाती थी रेलगाड़ियां, और कैसे अपने घर वालों को नाराज कर दिया करते थे वो अपने कर्मचारियों के सामने, उन्हें कभी डांट के फटकार के। आप बने रहिए हमारे साथ, होंगी कई रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक बातें काका हाथरसी के जीवन से जुड़ी हुई। और साथ ही हम सुनेंगे अशोक चक्रधर साहब से उनकी भी कुछ कविताएं, उनके जीवन के भी कुछ प्रसंग। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हास्य ऋषि की तरह से देश भर में मशहूर काका हाथरसी जी की और स्वयं हास्य की दुनिया के बड़े हस्ताक्षर अशोक चक्रधर जी से। तो अशोक चक्रधर साहब, आप बता रहे थे हमें कि साहब कैसे आपकी पहली मुलाकात हुई थी और बाद में मुलाकात हुई आपकी उनकी पुत्री से, फिर संबंध बने। जैसे प्रथम दर्शन काकाजी के हुए थे ऐसे ही प्रथम दर्शन उनकी सुकन्या से हुए थे, और वो भी तब जबकि वो फ्रॉक पहनती थी और हम नेकर पहनते थे। क्या बात है। काकाजी के घर में उनको देखा था। तो कहते ना, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। हमारे सब सुनने वालों के लिए बता दूंगा, आप बात कर रहे हैं लव एट फर्स्ट साइट की लेकिन इतनी खूबसूरत हिंदी में। प्रथम दृष्टया प्रेम, उन्होंने खुद वो भी कविताएं लिखती हैं। उन्होंने लिखा था कि एक फ्रॉक एक चोटी थी, अकल भी मेरी मोटी थी, तेरे घर में बड़ी हुई हूँ अपने घर में छोटी थी। तो होता है ना कुछ के होता है, ऐसा कुछ हो गया, हो गया तो हम लोगों ने तय किया कि हम विवाह करेंगे। अब न तो मैंने अपने पिता को बताया था न काकाजी को बताया था। तो जब काकाजी को लिखा, और काकाजी मेरे पिता को कहा करते थे बेटा राधे श्याम, तो उन्होंने तत्काल अपना पोस्ट कार्ड निकाला और दोहा छंद लिखने में उनकी महारत हासिल थी उनको। उन्होंने लिखा, जाने कब हो जाए क्या भली करेंगे राम, काका के समझी बने बेटा राधे श्याम। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी विवाह की तिथि तय होने लगी तो उन्होंने मुझे दो छक्के सुनाए थे। लल्ला, ब्याह तो कर रहे हो पर हालत कैसी है जाएगी तेरी, कछु ध्यान है तो है। मैंने कहा क्या काका। तो उन्होंने जो सुनाया, भोलू तेली गांव में करे तेल की सेल, गली गली फेरी करे तेल ले ओ जी तेल।
तेल ले ओ जी तेल, कड़कड़ी ऐसी बोली, बिजली तड़के अथवा छूट रही हो गोली। काका कुछ दिन तक ऐसो सन्नाटो छायो, भोलू तेली फिरते नहीं गांव में आयो। मिले ओ अचानक एक दिन मरियलवा की चाल, काया ढीली पिलपिली पिचके दो उगाल। पिचके दो उगाल गेल में धक्का खावे, तेल ले ओ जी तेल बकरिया सोमी में आवे। हमने पूछी भोलू जे का हाल है गयो तेरो, भोलू बोलो काका ब्याह है गयो मेरो। बहुत अच्छे अशोक चक्रधर साहब, आपकी शादी पे और अपनी बेटी के साथ शादी पे भी काका इतना अच्छा हास्य कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अशोक चक्रधर साहब बने रहेंगे हमारे साथ, और हम जानेंगे उनसे कि कैसे हो जाता था ऐसा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप काका जी के साथ घूम रहे हैं, सामने रेल आती थी और निकल जाती थी और आप देखते रह जाते थे। सुनेंगे किस्सा अशोक चक्रधर जी से, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज हास्य ऋषि काका हाथरसी जी की, जिनकी 110वीं वर्षगांठ जन्म जयंती होगी 18 सितंबर के दिन, और उनके बारे में हमें बता रहे हैं द वन एंड ओनली अशोक चक्रधर जी। अशोक चक्रधर जी और काका हाथरसी जी साथ साथ हुआ करते थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और सर सामने गाड़ी निकल जाया करती थी। अब जी ये कैसे होता था? आपने बिल्कुल सही सुना है संजीव जी, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन बहुत महत्व रखता था। काका जब टहलने जाते थे सुबह सुबह तो लोग घड़ी मिला लेते थे, जैसे ही गली में छड़ी की आवाज आई तो समझ जाते थे कि 5 बजे है। घड़ियां सबके पास होती नहीं थी, लेकिन समय सूचक घड़ी उनके पास रहती थी छड़ी के तौर पे। 7 बजे तक लौट के आते थे, उनको एक कॉफी का कप चाहिए, उनको भुने हुए चने चाहिए और फर्रुखाबाद के सेम के बीज चाहिए। चने वो जबलपुर से मंगवाते थे, 12 बजे भोजन करते थे, फिर पत्रों के उत्तर देते थे, खूब सारे पत्र उनके पास आया करते थे। क्या बात, शाम तक वे सोते थे और फिर 5 बजे के उनको टहलने जाना है। अब कई बार क्या होता था संजीव जी, होल्डोल एक होता था, तो वे अपना होल डोल रख के बोले लल्ला तुम बैठो यहाँ पे, हम अभी टहल के आमे। मैंने कहा काका जी सिग्नल हो गया है। बोले अरे हम गए और आए, और वो उन्होंने अपनी छड़ी को उठाया, छड़ी को टिकाते नहीं थे टहलते वक्त, कंधे उचकाते हुए टहलते थे ताकि अभ्यास उनके कंधों का भी हो जाए, और प्लेटफॉर्म पर इस कोने से लेकर उस कोने तक लगभग तेज रफ्तार से जाते थे। अब मैंने देख रहा हूँ कि गाड़ी आ रही है, आ रही है, आ गई आ गई, और आ ही गई, और काका जी नहीं आए। चलिए वे आ गए और लगा के हम गाड़ी में चढ़ जाएंगे, लेकिन गाड़ी फिर चल पड़ी और काका जी वहां रह गए मुस्कुराते हुए, और मेरे चेहरे पे मुस्कान कहाँ हो सकती थी जब गाड़ी छोड़ दी। खैर मैं, वो इतने सामान्य थे, सहज थे, तो मैं भी सहज हो गया, और जब मुझे सहज देखा तो बोले अब देख प्लेटफार्म की भीड़ गई, कोई हमारा होल्ड होल तो लेना जाएगा, चल हमारे संग तू भी टहल ले। और उसके बाद फिर दो चक्कर लगाए प्लेटफॉर्म के और आ गए। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज हास्य ऋषि काका हाथरसी जी की, जिनकी 110वीं वर्षगांठ जन्म जयंती होगी 18 सितंबर के दिन, और उनके बारे में हमें बता रहे हैं द वन एंड ओनली अशोक चक्रधर जी। तो बात बताने वाले थे आप मुझे कि कैसे कई बार अपने घर वालों को नाराज कर दिया करते थे वो अपने कर्मचारियों के सामने, उन्हें डांट के। अब ऐसा क्यों भाई? नहीं, इसमें उनकी कोई गलत मंशा नहीं होती थी। दरअसल जितना मैं उनको जान पाया, उनके अंदर अंधेरी निम्न कक्षाओं में रहने वाले गरीबों के प्रति एक बड़ी सहानुभूति रहती थी, और उसमें से वे कविता भी अगर आप उनकी पढ़ें तो वो दर्द जो गरीब का है वो व्यंग्य के माध्यम से निकल के आता था। पिल्ला बैठा कार में, मानस ढोवे बोझ। सही बात है। भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ चाय संग बिस्कुट पाता। कहे काका वर मांगत हूँ मैं चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु बनाना मुझको पिल्ला। तो क्या होता था कि अगर परिवार का कोई सदस्य कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करता था तो वो उनको समझ में नहीं आता था कि कोई सही व्यवहार हो रहा है। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई भी, बीधा जेकर, पुरन जेकर, तो काका जी के अरे भजन लाल चो तुम जाके पीछे बड़े भरे हो, सुबह ते काम कर रहे हो और तुम्हें समझ ना आया वे। अब
कर्मचारी के आगे बड़े भाई को कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म ना आवे, तो वो उनके अंदर उस कर्मचारी के प्रति जो ममत्वपूर्ण भाव था और उसकी सेवा में श्रम के प्रति जो आदर था, वो काकाजी कई बार उन्हें कड़वा बना देता था। अच्छा, एक मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। टहलने के दौरान कवि सम्मेलन से पहले बाजार से जब हम गुजरे तो एक जूते वाले की दुकान थी और जूते वाले ने पहचान के कहा, काका काका आइए आइए, चल भैया बैठ जा, मैं तेरे कॉफी पिलवाएगा, हमारी 4 बज गए, तो चाय पिलवा सके हैं साहब, कॉफी तो ना है, चलो तो हम तो जा रहे हैं। अरे काका जूता तो देखो, तुम्हारे तीन जूता है, बहुत बढ़िया बढ़िया जूता। जूते के प्रलोभन में वो 5 मिनट का अनुशासन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब वो जो जूता उनको पसंद आया वो थोड़ा सा ढीला था और पसंद इतना आ गया कि उनका भैया देखो हमारे नंबर के हमारे नाप को देखो, नहीं मिला नहीं मिला तो बोला काका जी मैं भिजवा दूंगा और चिंता मत करिए। चलने लगे, अच्छा तो तुम हमें दे दो ये जूता। बोले जब आपके पैर में नहीं आएगा तो क्यों ले रहे, हमारा जो नौकर है ना पूरन बाको पैर हमते बड़ो है नेक बाकी आ जाए वो, तो हम ना पैर सके तो भाई पैरते देख के तो हमें सुख मिलेगा जो जूता हमें पसंद है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उन्होंने अपने नौकर के लिए वो जूता खरीद लिया। क्या बात है, क्या क्या किस्सा है, क्या कहानी है, उनके बड़े हृदय को दर्शाता है। दोस्तों नायक कार्यक्रम जारी रहेगा, बात कर रहे हैं आज हम हास्य ऋषि काका हाथरसी जी की और हमारे साथ हैं अशोक चक्रधर जी। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM, मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज हास्य ऋषि काका हाथरसी जी की और उनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वयं पद्मश्री हास्य कवि अशोक चक्रधर जी। अशोक जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी एज अ कवि जर्नी कैसे शुरू हुई? मैं बचपन से कवियों से घिरा रहा, मेरे घर में कविगण आते थे और मैं पर्दे के पीछे खड़ा होकर उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करता था। तो प्रारंभ से ही मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सोहनलाल द्विवेदी जी आते थे, हरवंश राय बच्चन जी आते थे। मेरा सौभाग्य है कि लाल किले के मंच पर सन 62 में मैं कविता सुनाने के लिए बाल कवि अशोक शर्मा के तौर पर आया था। क्या बात है। जब काका जी से ये पारिवारिक नाता बन गया तो काका जी को जाना था मद्रास, बोले लल्ला मद्रास चले हमारे संग। मैंने कहा चलूंगा, उद्देश्य ये नहीं था कि वहां पे कोई कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं मद्रास। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था तेरी कविता कराए देंगे, कछु पैसा मिल जाए तो रख ली हो जा में का। मैंने कविता सुनाई साहब, और एक गंभीर कविता थी लेकिन उसकी प्रस्तावना में जो हास्य बोध मेरे अंदर बचपन से था, जो व्यंग्य की एक बांकी भंगिमा मैं रखता था, तो मैंने सोचा अरे ये तो मेरी गंभीर बातों को बड़े ढंग से सुन रहे हैं और मेरे काबू में हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आया। अगले दिन फिर होना था, अगले दिन के लिए कविता थी नहीं मेरे पास। अचानक एक जो अन्य कवि थे उन्होंने सद्भावना या दुर्भावना में कहा कि अशोक तुम गंभीर ही ठीक हो, ये हास्य के क्षेत्र में मत आओ। मैंने उनके अंदर जो कामनाओं में ये था, ये लो एक और आ गया वाला मामला था ना, मैंने उसी रात मैंने 3 हास्य कविताएं लिखी। क्या बात। एक कविता लिखी जो काफी वो उद्धृत भी होती रही। एकाएक मंत्री जी कुछ बात सोचकर मुस्कुराए, कुछ नए से भाव उनके चेहरे पर आए। उन्होंने अपने पीए से पूछा, क्यों भाई ये डेमोक्रेसी क्या होती है? तो पीए कुछ झिझका सकुचाया शर्माया। पीए बोला, सर जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की ऐसी तैसी होती है वहीं डेमोक्रेसी होती है। बहुत खूब। काका हाथरसी जी से मैंने ये सीखा कि भाषा सरल हो, शब्द कम हो, बात ज्यादा हो और उसमें करुणा अगर नहीं होगी तो उस हास्य का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिएगा, इस बार हम पूरी कविता सुनेंगे अशोक चक्रधर जी से, कोई उनकी लिखी हुई उनकी पसंदीदा कविता। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज नायक में हास्य ऋषि काका हाथरसी जी की और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनके दामाद साहब, स्वयं जाने माने हास्य कवि अशोक चक्रधर जी। तो अशोक चक्रधर जी, आपसे मैंने अनुरोध ये किया था कि किससे कहानियां खूब हुई, थोड़ा हमारे सुनने वाले आपकी मौलिक कविताओं का भी तो आनंद लें, तो कुछ सुनाइए सर। एक के पास मूंछ थी, काका जी के पास तो दाढ़ी भी थी, एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था,
पूंछ वाले की पूंछ थी। क्या बात है। मूंछ वाले के पास तनी हुई मूंछ का सवाल था और पूंछ वाले के पास झुकी हुई पूंछ का जवाब था। पूंछ के अंतर देखिए संजीव जी क्या है। पूंछ के दो दिशाएं नहीं होती, मारेगी या मरेगी, मोहब्बत में हिलेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। बहुत अच्छे। मूंछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त है। ब्यूटीफुल। एक झुकी हुई मूंछ वाले ने झुकी हुई पूंछ वाले से पूछा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं। पूंछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे और कारण एक मिनट में समझ जाओगे, बताता हूं। तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ, मैं पूंछ उठा के दिखाता हूं। बहुत अच्छे। तो आज के जमाने में संजीव जी, जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसलिए मूंछ वालों की नहीं पूंछ वालों की सत्ता है, मूंछ वालों की नहीं। बहुत अच्छी सत्ता। आपने कहा था ना छोटी छोटी दो सुना देना, तो मैं दूसरी कविता आपको, मैं वो भी सुनना चाहता हूँ, इनाम वाली। ठीक है। घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दुत्कारता है, घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है, सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है, कुम्हार ने अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है, लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है, हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है, जुलाहे के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का, मोती के कुत्ते के पास जूता है आदिदास का, इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाट का, एक निरीह धोबी का कुत्ता है घर का नगाड़ का। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत मजा आया अशोक चक्रधर साहब, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज नायक में हास्य ऋषि काका हाथरसी जी की, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनके दामाद साहब, स्वयं जाने माने हास्य कवि अशोक चक्रधर जी। तो सबसे पहले बात तो हम ये भी कर रहे थे कि इतने पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं, तो ईर्ष्या भी होती है साहब लोगों को। इसी साल मुझको यश भारती नाम का सम्मान मिला, तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा, अशोक जी कब लौट आ रहे हैं? मुझे याद आई डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की एक कविता, एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे फत्ते, एक थे हम। ईर ने कहा चलो कविता लिखें, बीर ने कहा चलो कविता लिखें, फत्ते ने कहा चलो कविता लिखें, तो हमने सोचा भाई चलो हम भी कविता लिखें। ईर ने लिखी ईर कविता, बीर ने लिखी बीर कविता, फत्ते ने लिखी तीन कविता, हमने लिखी अ कविता। ईर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, बीर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, फत्ते ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, तो हमने कहा चलो भाई हम भी प्रेस में छपाएं। ईर ने कहा चलो इनाम लें, बीर ने कहा चलो इनाम लें, फत्ते ने कहा चलो इनाम लें, तो हमने सोचा चलो भाई हम भी इनाम लें। ईर को मिला ईर इनाम, बीर को मिला बीर इनाम, फत्ते को मिले तीन इनाम, पर हमको मिली बदनामी, पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज्यादा नाम हमारा ही हुआ। अब दो इसमें हमने भी अंतरे डाले, वो सुन लो। ईर ने कहा चलो इनाम लौटाएं, बीर ने कहा चलो इनाम लौटाएं, फत्ते ने कहा चलो इनाम लौटाएं, तो हमने कहा कि भाई हम तो सोच के बताएं। क्योंकि ईर ने ईर तरीके से पाया था, बीर ने बीर तरीके से पाया था, फत्ते ने तीन तरीके से पाया था, हम क्यों लौटाएं? हमारे पास तो हर पुरस्कार अपने आप आया था। वाह क्या तो बात। संजीव है। जी काका जी का स्नेह उसमें सर्वोपरि था, जिसको मैं अपनी जीवनी शक्ति मानता हूँ। उनकी वसीयत का जिक्र आप कर रहे थे, उनकी एक वसीयत थी कि उनके मरणोपरांत शव यात्रा कैसी हो, संस्कार कैसे किया जाए। तो उन्होंने तीन बातें उस वसीयत में लिखी थी। पहली ये कि उनकी शव यात्रा में कोई भी रोएगा नहीं। दूसरी थी कि उनकी शव यात्रा ऊंट गाड़ी पर निकलनी चाहिए। तीसरी ये थी कि जिस समय उनका शवदाह हो रहा हो, उस समय श्मशान भूमि पर हास्य कवि सम्मेलन हो। अब तीसरा, श्मशान भूमि में हास्य कवि सम्मेलन, ये भी भूतो न भविष्यति, ये भी हमने कर दिखाया। वहां जितने भी हास्य कवि आए हुए थे, हमने कहा काका का ऐसा मानना है, आइए। और मैंने दो घंटे तक श्मशान भूमि हाथरस में उस कवि सम्मेलन का संचालन किया शव के साथ। बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी इसका उतना ही आनंद लिया होगा जितना हमने इसको रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ स्टूडियोज में लिया। तो सोमवार शाम 8 बजे फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।